नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस फिल्म ने लोगों को, खासकर यूथ को खासा अट्रैक्ट किया था। ऋतिक फरहान अभय की दोस्ती ने ऐसा गोल सेट किया था कि यूथ अपना कनेक्शन आज भी नहीं तोड़ पाए। फिल्म को जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के बाद से ही फैंस की एक्सपेक्टेशन इस फेमस भाई बहन की जोड़ी से और ज्यादा बढ़ गई थी। वही फरहान अख्तर ने कुछ समय पहले ही ऐसे ही जोनर की एक और फिल्म जी ले जरा का ऐलान किया था, जिसमें आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया गया था। फैंस को उम्मीद थी कि इस फिल्म की शूटिंग सितंबर से शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा है। तीन दोस्तों के रोड ट्रिप के कॉन्सेप्ट पर बनने वाली इस फिल्म के डिले होने पर फैंस को खासी निराशा हाथ लगती दिखाई दे रही है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से इंस्पायर इस बार जी ले जरा में लड़कियों की दोस्ती को रोड ट्रिप के जरिए दिखाए जाने का कॉन्सेप्ट डिसाइड किया गया है। लेकिन इस यूथफुल फिल्म को देखने के लिए भी अभी फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। खबर है कि फरहान और जोया ने इस फिल्म को फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आप सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड की तीन बड़ी एक्ट्रेसेस को लेकर बन रही इस फिल्म पर काम शुरू होने में आखिर देरी क्यों हो रही है। तो बता दे, फीमेल सेंट्रिक फिल्म जी ले जरा की कास्ट कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा तो डिसाइडेड है, लेकिन इस फिल्म में मेल लीड में कौन होगा ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। पहले खबरें थी कि फरहान अख्तर खुद इस फिल्म में काम करेंगे, पर इस बात पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। वही खबर है कि इस फिल्म की फीमेल लीड्स की डेट्स आपस में मैच नहीं हो पा रही है। ऐसे में फिल्म को होल्ड पर डाल दिया गया है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में इस फिल्म को लेकर कोई अपडेट सामने आता है या नहीं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।